गाइस, हम अभी अहमदाबाद जा रहे हैं। जाना मेरे को गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी हम एक नए ट्रिप पे निकल एक इधर सांस कम लेता है, भूलता जाता है, इसकी नए ट्रिप पे निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आपको शायद हिंट मिल गया होगा क्योंकि इस टाइम पे जा रहे हैं, लेकिन दिखाते आपको क्यों जा रहे हैं और उधर जाके आपको रिवील करेंगे। और सिर्फ अहमदाबाद नहीं है गाइस, उसके आगे भी ट्रिप है, बहुत बड़ा ट्रिप है, तो एक एक डे का डालूंगा व्लॉग या पूरा एक साथ डालूंगा वो सोच के करता हूँ गाइस। और कौन कौन जा रहे हैं एक एक करके रिवील करता हूँ। इन दोनों से तो आप क्या मुलाकात हो चुके हैं, कौन विजय हीरो आउटलुक विजय और ये रघु भाई। ये रघु भाई को तो आप पहचानती हो। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं सागर होटल के लिए खाना खाने के लिए। देखो विशाल बोल रहे तो बोल रहे तो सो गाइस, अब हम आ चुके हैं सागर होटल खाने के लिए। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइज अभी हम हमारा बस का स्टॉप आ चुका है और अभी हम आए हैं सागर होटल। एक ही ऑप्शन नहीं था गाइज हमारे पास, बस ने रुकाया है यहाँ पर। खाना खा के जरूर रिव्यू देंगे नेक्स्ट टाइम यहाँ पर रुकना है या नहीं, इसके बेसिस पे आप डिसाइड करो। तो गाइज अभी 11:41 हो चुके हैं और अभी भी हम पहुँच नहीं पाए हैं अहमदाबाद, और एक आधा या 45 मिनट्स लगेंगे शायद पहुँचने हमको। और इधर बहुत ऑलरेडी गर्मी महसूस हो रही है, एसी के अंदर बैठा है इसलिए कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे कांच को टच करके देखें तो 45 डिग्री तो अप्रॉक्सीमेट है ही बात, इतना बोल सकता हूँ। और रघु भाई मैं कैसे व्लॉग कर रहा हूँ वो देखना ही है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अहमदाबाद। गुड मॉर्निंग हो गया था गाइस, नींद अच्छे से नहीं हो पा रही थी। मैं 6'2" लंबा हूँ लेकिन ये सीट शायद 5'10" के है, तो मैं डायगनल होके सोने का ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन ठीक है चलता है अभी ट्रैवलिंग में है। आगे क्या होता है, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सब कुछ दिखाऊंगा गाइस। स्टे इन टच विद अस। हम अहमदाबाद आ गए तो यहाँ पे हमारा रोहन का भी गरबा चालू होना। हाँ चलो गाइस, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। गर्मी में गरबा खेलना है, मजा मा। रोहित आपको गुजराती आती है? गुजराती सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा आती है, दो या तीन शब्द आते हैं। हाँ, किम सो मजा मा आइन बे द्री त्रन ए हेलो हेलो भिट्टा काका भिट्टा काका हेलो हेलो फाइनली हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और अभी हम आए मयूर होटल में। ये छाछ पी रहे गाइस और ये हमारे काका ने सजेस्ट किया ये होटल। एम्बियंस वेम्बियंस भी सब अच्छा है और अभी हमको पापड़ और क्या मिला, छाछ, वो भी बढ़िया था। अभी वेज थाली आ रही है, ये वो सब पता नहीं है गाइस, ये झूठ भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर मत जाइए। मैं जो भी अपडेट होता रहे जो भी होता रहेगा उसके बारे में अपडेट गाइस हुसैन को उसके थाली के साथ दिखाता हूँ। खा के खावा ऐसे बात करते हैं। तुमको लुक वाइज कैसे दिख रही है, देखो गाइस एकदम शानदार है, एकदम झाक शेवट। तो गाइस अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस लिए अहमदाबाद आए तो विजय रिवील कर देगा। विजय रिवील इट, एलिमिनेटर मैच देखने आए हैं गाइस अभी हम। आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान जीतेगा भाई। आरसीबी फेक आरसीबी फैंस गाइस, हम राजस्थान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारा सीएसके है। आरसीबी वाले को मार रहे गाइस।
चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। आरसीबी रेट भैया, आरसीबी रेट चेन्नई 400 भाई। मुंबई मुंबई जर्सी नहीं, और अभी हम स्टेडियम के पास आ चुके हैं, अंदर जा रहे हैं। अंदर जाके आपको नजारे दिखाता हूँ। और हमने यहाँ अपनी फेवरेट टीम की जर्सी पहन ली है, हारे या जीते उससे मतलब नहीं, हमारे पास 5 ट्रॉफी ऑलरेडी है। ये लोग जो बच्चे लोग प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हुए हैं उनकी मैच देखने जा रहे हैं भाई। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। अभी हमारे ये को पायलट है और वो अभी हमको द्वारकाधीश के दर्शन कराएंगे, श्री कृष्ण और सोमनाथ जी के दर्शन कराएंगे। तो अभी रात के 3 कुछ गलती हो गए तो इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और अभी हम जा रहे द्वारकाधीश के दर्शन और सोमनाथ जी के दर्शन करने। रात के अभी 3 बज चुके हैं गाइस, अभी हम निकल चुके। आगे क्या होता है, आगे क्या क्या होता है दिखाता हूँ मैं। रोहित को तो अभी पहचानते ही हो गए, ये रोहित है और इसके बाजू हुसूर बनाने में निकलेगा। गुड इवनिंग गाइज, अभी हम पिछले 2 दिन से ट्रैवलिंग कर रहे थे तो गुड मॉर्निंग नहीं हुआ, आज हमारा गुड इवनिंग ही हुआ। सीधा अभी उठे अभी हम 6 बजे और अभी हम निकल रहे द्वारकाधीश के दर्शन करने। उसके बाद द्वारका भेंट भी करेंगे और सोमनाथ कल निकलेंगे गाइज। ये रघु कुछ कहना चाहते हो? सो गाइज, आज हमारा फर्स्ट क्लास नींद हुआ है, फर्स्ट क्लास मतलब 4-5 घंटा। सो अब निकल रहे हैं हम द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए। सो जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश, धन्यवाद। धन्यवाद भाई। अभी हम द्वारका बेट आ चुके हैं और वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती है तो ऐसे रिक्शा होते हैं, 20 रुपीज़ पर हेड होता है यहाँ से वहाँ तक का छोड़ने का, और वहाँ से वापस आने का फिर से 20-40 रुपये होता है और ऐसे जाना पड़ता है। मैं रूट वगैरह दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। गाइस यहाँ से ऊपर जाना होता है, वो पेड की तरफ से ऊपर जाना होता है, वहाँ पे मंदिर है, फोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं था। हेलो गाइस, हमारा दर्शन हो गया अभी। हेलो गाइस, हमारा दर्शन हो गया, हम पेड़ द्वारका में है अभी। कैसा लगा दर्शन करके? बस एक नंबर लगा, एक नंबर। मन को सुकून मिल गया एकदम, मन को सुकून।
सब लोगों को जरूर आना चाहिए, सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ जरूर आना चाहिए। कैमरा के थ्रू नहीं बता सकते लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है आके, और सब लोगों को जरूर आना चाहिए एक बार तो अपने लाइफ में। मामा ने मस्त गाने भी नहीं बजाए आते समय। नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे इनके पास ही आना। अंकल 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 आपका नाम बोलो, नेक्स्ट टाइम आपके पास ही आते, आपके पास हमारे बर्तन लेके आएंगे। धन्यवाद भैया, राजा भोसड़ी के धन्यवाद, थैंक यू। गाइज मामा को मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं थी, ने सोचा हमारे ब्लॉग में डालेंगे तो उनको व्यूज मतलब उनके पास लोग आएंगे, लेकिन उनको जरूरत ही नहीं है। गाइस मामा का ब्रेकअप हुआ है इसलिए वो हमको पूरा इग्नोर कर रहे हैं। और गाइस मामा आ रहे थे भाई, मामा मैं पूरा सुध के आ गया हूं गाइस, अभी मेरे सब पाप धुल चुके हैं गाइस, देश के कोने में आके मैंने पाप धो लिए गाइस। तुम्हें हैंडसम दिख रहा होगा गाइस, गाइस आउटलुक कैसा दिख रहा है विजय का, आउटलुक कैसा दिख रहा है? मैं एकदम हैंडसम दिख रहा हूं रघु भाई का, अभी आउटलुक आप बता दीजिए गाइस कैसा दिख रहा है। यदि भाई जरूर कमेंट करेंगे मुझे पता है, तो यदि भाई कैसा दिख रहा है इनका यदि ओपी वी मिस यू ब्रो, आल्सो चवाल पानी 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 गाइस अंदर जेन्युइनली बोल रहा हूँ, फोन अलाउड नहीं थे लेकिन मस्ट विजिट है गाइस ये प्लेस, ये आना चाहिए यहाँ पर। अगर इंडिया में रहते हो तो इधर एक बार तो आना बनता है भाई, वर्थ इट है ये जगह, और इसी के लिए फेमस है इधर का साइड, इंडिया का ये साइड तो इसी के लिए फेमस है साइड मेरे हिसाब से, और आना चाहिए। रघु भाई आपको क्या लगता है? एक बार तो जीवन में यहाँ कर दर्शन लेना चाहिए, तो फिर गाइस प्लीज डू विजिट द्वारकादेश टेंपल, मस्ट विजिट फ्रॉम माय साइड, जय श्री कृष्ण। गाइस अभी हमारा द्वारका दर्शन हो गया था, द्वारका बेट का दर्शन हो गया था, तो 9 बजने से पहले ज्योतिर्लिंग क्लोज हो जाता है, इसलिए अभी हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के इधर दर्शन करने आए हैं। ये देख सकते हो पीछे मेरे मंदिर है, अंदर के क्लिप्स भी है गाइस और मैं ज़रूर डालूंगा, वो दूसरे के पास है, जितना हो सकता था उतना कैप्चर करने का ट्राई किया, वो ज़रूर डालूंगा, उधर से आप दर्शन कर दीजिएगा। और इधर मिल्क पेड़ा मिलता है एज अ प्रसाद, बहुत टेस्टी था वो है। उसके लिए एक थम्स अप। रघु भाई आपको अच्छा लगा? नहीं, ये खत्म हो गया गाइस, हमने घर वालों के लिए लिया था लेकिन इधर ही खत्म हो गया, और एक लेने का सोच रहे अभी, और एक प्रसाद मिल गया। ये देखो प्रसाद के लिए कैसे करते हैं, देखो हमारे गाइस खाके और लेते हो ए प्रसाद, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बेस्ट। कैसा लगा? एकदम मन को शांति मिली ना, को एकदम शांति, एकदम शांति। यस गाइस टाइम निकाल के जरूर आना, जरूर आना टाइम निकाल के जरूर आना। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, 1 2 3 अच्छे से दिखाता हूँ गाइस। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ, है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। इस कल मतलब आज रात 12 बजे विजय का बर्थडे करने वाले हैं, तो प्लीज सब लोग जुड़ जाना, जुड़ जाना, विशेष हैप्पी बर्थडे विजय लिख दीजिए व्लॉग के नीचे बस, थैंक यू। कौन सा होटल है भाई? ये सब नाम गुजराती में तो हमको समझ रहा नहीं, हम बोलता था किधर आए हम, अरे हिंदू भाई आपको समझ रहे तो देखो, वेलकम टू दिस होटल, वेलकम टू दिस होटल। और इधर दो टाइप के थालीज मिलते हैं जनरली, इधर थाली अनलिमिटेड मिलते हैं और अच्छे टाइप के मिले, दोपहर में भी हमको बहुत अच्छा खाना मिला गाइस इधर,
राजस्थानी नहीं गुजराती टाइप खाना था, बाजरे रोटलो रोटलो और रोटी थे और तीन चार टाइप के सब्जी थे और बाकी सब खाना बहुत अच्छा था। अनलिमिटेड चांस, हाँ अनलिमिटेड चांस। हमने सात लोग मिलके कम से कम क्या बोलते पांच हंडी टाइप हंडी चार नहीं जी पांच उनो एक हाँ पांच हंडी टोटल खत्म किया गया। अभी इधर शाम में खाने के लिए उसके बाजू ही होटल है, देखते हैं इधर कितना खाते हैं और क्या क्या मिलता है वो सब दिखाता हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। कई जी देखिए ऐसे बैठे हम खाने और ये सब है हमारे प्लेट्स में अनलिमिटेड। गाइस जितना चाहे उतना खाओ, बहुत है अपने पास, बहुत है अपने पास। खा के दिखाओ विजय। चीयर्स। गाइस ये देखिए इतना बड़ा होता है ये छाछ का ये बर्तन। रघु भाई ने अकेले ने इतना ही खत्म किया था आराम से। अभी 12 बजने में सिर्फ 2-3 मिनट बाकी है और हम तीनों ने मिलकर जाके केक लाया है विजय के लिए और वो लोग उसे बाहर ला रहे हैं अभी, उसको सरप्राइज देने वाले। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। विजय को सरप्राइज, अभी इधर फुल तैयार हो चुके हैं और विजय को वो लोग ला रहे हैं। और विजय आ रहा है, विजय को सरप्राइज देते। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सरप्राइज अभी मिला है 25 साल के बाद में। 25 साल के बाद जिंदगी में अपने केक ही नहीं देखा मतलब। 24 साल में 25 साल के बाद में लगाओ हमको कुछ ट्रेन का बुकिंग करना था, हमको ट्रेन का टिकट एक भी नहीं मिला, वेटिंग लिस्ट भी नहीं था, नॉट अवेलेबल सीधा हमको डायरेक्टली हकाले बार। बहुत डिसअपॉइंटेड हकाले बार। क्या हुआ? देखो बस का रेट भी बहुत ज्यादा है, यू कैन सी। क्या करेगा इस, ऐसी ही जिंदगी है, ऐसी लाइफ है, चलता रहेगा। कोई बात नहीं भाई, ये सब तो होता रहेगा। अभी हम द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। एंट्रेंस है गाइस द्वारकाधीश जाने के लिए। माय बेस्ट सो राधे राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस अभी हम दर्शन लेके आ चुके हैं। रोहित भाई आपको दर्शन लेके कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया था और इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। ऊपर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है गाइस, नहीं तो दिखा देता तो हमारा फोटो है। फोटो है, फोटो जरूर दिखाएंगे। ये रघु भाई ने ये वाला ले लिया है, अच्छा है ना। राधे 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 बाबू राधे। जाएगा 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 ब्लू मंजा हमसे ये गए। इस हमको भूख लगी है और इसका पेट चिल्ला रहा है, जरा दिखा कैसे चिल्ला रहा है। देखो भाई ऐसा चिल्ला रहा है और हमारा टाइम हो गया है लेकिन हमको खाना नहीं मिल रहा है। रोहित कुछ बोलना है आपको सर? हमारी नम्र विनती है आपसे कि कोई इसके पास खाना हो तो कोई सोमनाथ जाते सोमनाथ ऑन दी वे कोई होटल रहा तो हमको प्लीज रिकमेंड करो गाइस, प्लीज कमेंट। रोहन कुछ बता रहा है गाइस। अभी हम ऑन दी वे, हमको एक अंकल ने रेकमेंड कर दिया कृष्णा होटल करके, हम कृष्णा होटल जा रहे हैं अभी। कुछ बोल रहे आ जाओ मीटअप होगा। बोलो मुकेश, बोलो मुकेश अंकल की जय। ये मुकेश अंकल है गाइस। सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है।
दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है। गाइस वापस आ गए हम और अभी हम आए हैं ज्योतिर्लिंग करने आए हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नोन फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। मेरे पीछे है रघु भाई टीका लगा के ले रहे गए दिखा रहा हूँ। दोनों ने तो लगवा लिया है, वो लोग नहीं लगवाएंगे। कैसे दिख रहे हैं इस कमेंट करना। और हमारे पीछे ही मंदिर है, दिखाता हूँ ये मंदिर है। उधर फोन लेना अब अलाउड नहीं होगा, जितना हो सकता है उतना दिखाता हूँ। कैसा लगा? एक बढ़िया भैया, भैया एकदम बढ़िया, एकदम ठंडक, इनर पीस, मस्त। अंदर अलाउड नहीं है गाइस, इधर से ही दर्शन ले लीजिए, वो मेन मंदिर का कलश है। रघु भाई आपको कैसा लगा दर्शन लेके? संतुष्ट लगा, संतुष्ट लगा। जय महाकाल, जय महाकाल। ये देखिए गाइस अंदर एक फोटोग्राफर था, उसने हमारी फोटो ली है ऐसा है अंदर। जैसे कि हमने अंदर पढ़ा कि दिस इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग और फाउंडेड बाय लॉर्ड मून, मतलब चंद्रदेव ने इसको ढूंढा था। और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स ये सोने का था शायद, अगर गलत है हम तो करेक्ट कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन जितना हमने पढ़ा और सुना है ये सोने का था और इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स अटैक हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो अटैक्स को रोका और इसकी प्राण प्रतिष्ठा का डेट कुछ तो था, वो अभी याद नहीं, उधर पड़ा अंदर, वो मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। ऐसे करके बचाया और अभी इतना सुंदर मंदिर बनाया है। बाद में इसके बाजू ही समंदर है, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज है, लेकिन फोन अंदर ले जाने के लिए मना ही है। अगर आपको विजिट करना है तो नाइट टाइम विजिट कर लेना। हाँ नाइट टाइम विजिट कर लेना, सो रहता है यहाँ पर। और 12 ज्योतिर्लिंग भी है छोटे, मतलब ज्योतिर्लिंग का व्यू है अंदर, ऐसा दिखाया है उन्होंने, अच्छा है वो भी, अच्छा है। कुछ भी रिकॉर्ड करने को मिला ही नहीं है लेकिन ठीक है, अभी जितना है सो है। और विजय का बर्थडे है, विजय के बर्थडे के दिन विजय को दोनों के दर्शन हो गए, द्वारकाधीश के भी दर्शन हो गए और सोमनाथ जी के भी दर्शन हो गए। आगे क्या क्या करते हैं दिखाते हैं। हर हर महादेव लिख देना गाइस कमेंट, हर हर महादेव लिख दीजिए गाइस। आवर जर्नी इज कमिंग टू एंड नाउ, वी आर रिटर्निंग बैक टू अहमदाबाद। लेकिन अभी टिकट्स नहीं है गाइस हमारे, रिटर्न टिकट्स नहीं है, लेकिन सुन जल्दी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अहमदाबाद में जाएंगे और देखेंगे थोड़ा बहुत। क्या देखेंगे? कुछ तो देखेंगे, जुगाड़ करेंगे, बस से जाएंगे तो जनरल टिकट लेके जाएंगे। बस का भी टिकट लेना होता है, बस का भी मिल जाएगा, कोई नहीं कर लेंगे, हम इंडियन है, जुगाड़ करने के आई रहे। चलो ये चंदन भाई है भाई, बहुत शांत रहते हैं। सब्सक्राइबर्स बढ़िया था मन को मस्त हुआ कैंसिल कर। नहीं मिल पाए वरना हम भी थोड़ा जल्दी में है इसलिए हमको नहीं मिल पाए, और हाईवे पैसा मिलना भी रिस्की है। समझ सकते हैं आप लोग तो नेक्स्ट टाइम अहमदाबाद में जरूर मिलेंगे। लेट्स मीट अप, यो गाइस। गाइज अभी हम आए हैं जलेबी फाफड़ा खाने, गुजरात में आए और जलेबी फाफड़ा ना खाए ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए अभी दिखा दे गए। एक नंबर एक्सपीरियंस है यहाँ पे, गाठियावाड़ी और ये अपना क्या हो, फाफड़ा खा के देखो, एक नंबर पहले खा तो लो भाई। नहीं टेस्ट के लिए दिए थे भाई ने, थोड़ा खा के देखा है, एक नंबर है, ऐसा कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, इधर ही मिलेगा, आ जाना गाइस। दिखा दूंगा जलेबी दिखाओ, जलेबी गाइस, जलेबी देखो गाइस, गुजरात स्पेशल जलेबी, इधर प्रोसेस और ये फाफड़ा इन मेकिंग गाइस, झूला भी है, झूला। अरे रोहन कैसा लगा भाई? एक नंबर है, बढ़िया एकदम, माउथ वाटरिंग माउथ,
झूठा रही हो जाता है रोहित का बोलो। रोहित बहुत अच्छा था, जूसी था और हमने बहुत दिनों के बाद खाया, बहुत बढ़िया लगा। चंदन भाई व्लॉग में आप नहीं आते हो तो इसका तो कैसा लगा वो तो बता दीजिए। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। रिकमेंडेड अभी नहीं, खाने के बाद। खाने के बाद मुझे आप भी खाइए गाइस, लीजिए। फाफड़ा आ गया गाइस, फाफड़ा गर्मा गर्म फाफड़ा। हेलो गाइस जलेबी अंकल जबरदस्त, रोहित खा के दिखाओ गाइस। फर्स्ट एक्सपीरियंस रोहित। हेलो फाफड़ा जलेबी जलेबी पपे अनुसार अभी समझा कि जटा भाई क्यों मंगाते हैं हर संडे। रोहन क्या बोल रहे थे गाइस, फाफड़ा है ना दही का रिकमेंडेशन है, दही के साथ खाना है, एक नंबर लगेगा। अभी दही मंगा रहे हैं, आएगा दो मिनट में आएगा, खा के बताते हैं कैसा लगेगा। इन भाई ने स्पेशली बना के दिया, थैंक यू अंकल। दही आ गया भाई, दही आ गया, इतना सारा दही। दही के साथ मजा आएगा। कैसे खाना है भैया? मजा चमची। कैसे खाना है उसको? चम्मच के साथ चाट के साथ। पहले फाफड़ा खाना है फिर दही खाना है। हाँ ये पहला फाफड़ा खाने में ही खून दोगे। कैसा पहला फाफड़ा खाता मिला? मतलब दही बुढ़ लगा ना है? दही खाता लगे भैया चम्मच बुला थमा गए अभी हमारा जर्नी खत्म होने आया है और अभी हम फाइनली बस में बैठ चुके हैं बेलगाम जाने के। राहुल भाई एकदम लास्ट की सीट मिली है गाइस, तो हम ऑर्डर कर रहे हैं आपको नेक्स्ट राजदाबाद पर और नेक्स्ट मिलेंगे आपको सीधा बेलगाम पर। बेलगाम और पीस आउट और नेक्स्ट ट्रिप के लिए जल्दी निकलते हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस, सो लाइक यार नेक्स्ट व्लॉग जल्दी जल्दी से यार भी सांस कम लेता है, भूलता जाना है इसकी। गाइस विशाल कुछ बोलने वाला है, विशाल कुछ बोलने वाला है, विशाल विशाल गाइस कैमरा शाय गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट ट्रिप गाइस, बाय बाय गाइस, शुक्रिया।